जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी मेकर में। आज आपका रीजनिंग का एसएससी जीडी का जो आपका चौथा क्लास है उसमें हम लोग रैंकिंग करेंगे, जिसको हम लोग क्रम व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो सारा आपका तीन क्लास जो है रीजनिंग का आपका कंप्लीट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग वाला। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे, रैंकिंग। इस वीडियो में आपका पूरा रैंकिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो एक घंटा का, डेढ़ घंटा का, दो घंटा का, ठीक है, जो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और ये आपको वीडियो देखने के बाद सीधा प्रैक्टिस सेट लगाना है, जो कि हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है रैंकिंग जो क्रम व्यवस्था है ये जनरली होता क्या और एसएससी जीडी में इससे कितना क्वेश्चन आएगा। तो लगभग मान के चलिए कि इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है जीडी में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा जाएगा। यही 2 मार्क्स करके आपका टोटल 25 नंबर का रीजनिंग में बनता है क्वेश्चन। तो सारा क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग बनाएंगे, पहले समझ लेते हैं रैंकिंग होता क्या। ठीक है, तो सबसे रैंकिंग जनरली आपको क्या बोलेगा, जैसे कि आपको ये, आपको सभी को पता है ये एक हमारा क्या होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, और ये हमारा एक वर्टिकल लाइन होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा कि एक या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेगा, देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, और इस वाले को रो। तो बोलेगा आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि एक रो में मान लीजिए आपका एक लड़का है और इधर से जो उसका पोजीशन है, इसको हम लोग देखिए हमेशा आपका राइट इधर साइड होगा और लेफ्ट हमेशा किधर होगा, इधर साइड होगा। ठीक है, बहुत आसानी से इतना बेसिक चीज सभी को पता है, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका लेफ्ट हमेशा लेफ्ट के साइड रहेगा। अगर आपको नहीं पता कैसे फाइंड करना है तो आप इस साइड खड़े हो जाइए, आपका लेफ्ट हैंड इधर है तो इधर हो जाएगा, राइट हैंड इधर है तो ये आपका राइट पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट आपका लेफ्ट साइड हो गया, राइट आपका राइट साइड हो गया। अब आपको क्या बोलेगा, मान लीजिए एक लड़का है, जैसे मान लीजिए मोहित एक लड़का है, ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे देगा सारा चीज आपको बता रहे, ध्यान से पढ़िएगा। मोहित मान लीजिए कि मोहित 15 नंबर पे है लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो लेफ्ट के साइड से हम बढ़ेंगे, यहाँ पर एक एरो दे देंगे, यहाँ पर मान लीजिए मोहित है आपका 15 नंबर पे, ठीक है, 15 पोजीशन पे है। अब यहाँ पर क्या बोला कि वहीं मोहित जो है अगर राइट से अगर हम उसका देख रहे हैं तो राइट से भी वो कितना है 15th नंबर पे, ठीक है, राइट से अगर हम लोग देख रहे हैं तो राइट से वो कितना नंबर पे है, राइट से वो 15 नंबर पे। तो 15 नंबर पे जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो ये राइट से हमारा 15 है, ये लेफ्ट से हमारा 15 है। तो टोटल इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, जो सबसे आसान क्वेश्चन इसमें बनता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो सबको आना चाहिए, वो आपसे यहाँ पर पूछेगा कि टोटल आपका स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, टोटल पर्सन कितना है उस सीट पर, उस रो पर, ठीक है, इस टोटल रो पर सीट पर पर्सन कितना है। तो देखिए इसमें सबसे आसान जो निकालने का ट्रिक होता है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के आपको 1 से माइनस कर देना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, 15 15 प्लस 15, ठीक है, 15 प्लस 15 हो गया हमारा, माइनस 1 कर देना है। ये माइनस 1 कहाँ से आया, तो ये माइनस 1 जो है आप मोहित को जो 2 बार गिन दिए उसमें से 1 बार आपको मोहित को घटाना पड़ेगा, ठीक है, ये भी मोहित था जो कि 15वें नंबर पर लेफ्ट से था और ये भी आपका मोहित था जो कि राइट से था, ठीक है, तो आपको 1 बार जो है वो घटाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, आप बेसिकली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 जैसे ही कीजिएगा तो ये आपका टोटल पर्सन निकालने का एक ट्रिक हो गया, ठीक है, ट्रिक बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, तुरंत निकल जाता है इसे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज था, आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसको नोट करके रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन हम सारे यहाँ पर लिख ले रहे हैं, 2 क्वेश्चन, उसके बाद आपका धीरे धीरे क्वेश्चन लिख लिख के सारा चीज आपको बताते जाएंगे। अगर आप हमारे सरकारी नौकरी मेकर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एसएससी जीडी का रीजनिंग का बेहतरीन क्लास चल रहा है और जीके जीएस का भी क्लास बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख लिया, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद ये सारा आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए इस वाले क्वेश्चन को तो लगभग आपका 50% जो रैंकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बना लेना। हम सभी आपको बताए थे कि रो से यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, तो रो आपको सबसे पहले पता कैसे चलेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होता है आप सभी को पता है, ये सीधा लाइन जो होता है 180 डिग्री का, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो सीधा लाइन आपको दिख रहा है ये हमारा वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, वर्टिकल लाइन जो होता है वो आपका कॉलम होता है, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। तो रो बोल रहा है, रो मतलब आपको सभी को कैसे लाइन खींचना है, सीधा लाइन खींचना है, इसका लेफ्ट हमारा ये हो गया, इसका राइट हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सजा लेते हैं, अगर आप सजा लेते हैं अगर इसको बढ़िया तरीके से तो आपका ये सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कैसे इसको सजाना है, सारा चीज आप सब समझ जाइएगा बहुत आसानी से। सबसे पहले आपका बोला है कि रवि 15th लेफ्ट से, मतलब कि रवि का जो रैंकिंग है वो 15वां नंबर है लेफ्ट से अगर आप आते हैं, ठीक है, अगर आप लेफ्ट से आते हैं तो रवि का रैंक आपको रवि 15वां स्थान पर
मिल जाएगा। अमित का कह रहा है कि अमित अगर राइट से आइएगा तो 16वां नंबर पर आपको रवि मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट में हम लोग मान लिए कि अमित जो है वो 16 नंबर पर, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो आपको दो दे दिया है एक ही लड़का का, यहाँ पर क्या बोला दीपक इज फोर्थ टू दी राइट ऑफ रवि, मतलब दीपक से जब चार बढ़ेंगे लेफ्ट की साइड से तो आपको दीपक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही चौथे स्थान पर जाएगा तो दीपक आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड अमित के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, मतलब कि इधर से अगर आप इधर की साइड आ रहे हैं तो आपको पांचवें स्थान पर दीपक मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग देखिए यहां पर ध्यान से, मतलब दीपक कहीं ना कहीं आपका एक ही जगह है, दीपक एक ही जगह हो सकता है। तो दीपक अगर एक जगह है तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग रवि की तरफ से चले, जो कि यहां पर ऐसा कह रहा है कि रवि की तरफ से अगर हम लोग राइट की ओर चलें, दीपक इज फोर्थ, तो हमको चौथे नंबर पे ही रवि मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है आपका, चार, ठीक है। तो यही चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि इनके दोनों के बीच में गैप कितना है, चार का गैप है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ठीक है। तो मतलब कि अमित के जस्ट पांचवा बाद, मतलब कि पांचवा नंबर पर आपको कौन मिल जाएगा, दीपक फिर से वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो यहां पर भी पांच मिल गया। तो ये बनाने के बाद आपका ये सारा क्वेश्चन आपका जो चुटकी में बनेगा, ठीक है। देखिए बताते हैं कैसे आप सभी का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट, तो अगर हम राइट से चलते हैं, लेफ्ट से पूछते तो लेफ्ट का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि रवि जो है वो 15 नंबर पे लेफ्ट पे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि राइट के साइड से चलेंगे तो क्या होगा। तो जब राइट की साइड से चलेंगे तो यहाँ पर रवि का रैंकिंग तो बदलेगा, क्योंकि उधर साइड से यहाँ पर रवि का नहीं बताया, इधर साइड से बताया गया, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, रवि को क्या कीजिए, ढक दीजिए और इनके आगे जितना भी नंबर है सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके आगे जितना भी नंबर आएगा उन सभी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो रवि का सबसे पहले देखिए कितना आसानी से नंबर आ जाएगा, रवि का पूछ रहा है राइट के साइड से, तो रवि को ढक दीजिए, 4+5+16 जैसे ही कीजिएगा तो रवि का रैंकिंग वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो 4+5+16 तो यहां पर 20 हो गया, यहां पर 25 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25वें नंबर पे आपका अगर राइट से आइएगा, राइट साइड से, तो रवि आपको 25वें नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो भी पूछेगा आपको रैंक पूछ रहा है, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। ये हम भी बताएंगे रैंक 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 और उसके बाद पर्सन बिटवीन, ये अगर चीज आप समझ गए तो बहुत आसानी से रैंकिंग का सारा खेल खेल लेंगे, ठीक है। तो जितना जो भी आपको पूछेगा रैंक में, मान लीजिए बीच वाला भी पूछता है, मान लीजिए पूछेगा अमित का, तो आपको अमित ढक देना और लेफ्ट से पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर पूछेगा फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से पूछ रहा है अमित का, तो इधर वाले सारे नंबर को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि अब हमको अमित का रैंक बताना है लेफ्ट साइड से अगर हम लोग आते हैं तो, ठीक है। तो अमित को छुपा दिए, 15 जोड़े, ठीक है। तो 15+4+5 मतलब अमित का भी हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। मतलब इधर से भी अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग कितना नंबर पे मिल जाएगा, ये तो हम लोग को 15 नंबर पे यहाँ पर कौन मिल जाएगा, 24 होगा इसका आंसर, ठीक है। 25, 15, 25, 4 यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अमित कितना नंबर पर मिल जाएगा, अगर हम लोग लेफ्ट के साइड से जा रहे हैं तो 24 नंबर पर, और रवि कितना पर मिल जाएगा, जो कि शुरू का आंसर था, अगर उधर से आ रहे हैं हम लोग तो 25वें नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से इस तरीके का ट्रिक आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, तो ध्यान से पढ़िए, SSC GDs पर एकदम निकल रहा है। उसके बाद पूछा रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दीपक का रैंक अगर राइट से हम लोग आते हैं तो, राइट से अब आपको क्या पूछा, दीपक का पूछा, तो दीपक को छुपा देना है, तो दीपक के राइट में अब कितना नंबर है, तो सिर्फ 5 है और 16 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5+16 जैसे ही करेंगे तो यहाँ हमारा 21 आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए पूछा कि दीपक का लेफ्ट से अगर हम लोग आते हैं तो दीपक कितना नंबर पर हमको मिलेगा, लेफ्ट से अगर आ रहे हैं तो दीपक को छुपा दीजिए, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 15+4 तो अगर आप देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट वाला है, अगर आप लेफ्ट से आते हैं तो दीपक आपको 19वें नंबर पर मिल जाएगा, अगर आप राइट से आते हैं तो दीपक आपको 21 नंबर पर मिल जाएगा। ये होता है रैंकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देगा, सारा चीज आपको एक एक चीज समझ के चलना है यहाँ पर रैंकिंग, ठीक है। तो आगे हम लोग अगर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि, ये सारा चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से अगर कर ले रहे तो रैंकिंग में लगभग हम बता बोले आपको 50% जो क्लियर है डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि, अमित यहाँ पर है, रवि यहाँ पर है, पूछ रहा है कि अमित और रवि के बीच में कितना टोटल आदमी है, ठीक है। पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4 करना है, यहाँ पर 5, इन दोनों को जोड़ देना है और -1 कर देना है, बस इतना ही करना है। जिसका भी पूछेगा आपसे, जिसका भी अगर क्वेश्चन में पूछता है कि वो उसके और उसके बीच कितना है, तो उन दोनों को जोड़ दीजिए और 1 से माइनस कर देना आपको। 1 से माइनस इसलिए कर देना है क्योंकि यहाँ पर दीपक जो भाई है, दीपक 2 बार आ गए हैं यहाँ पर। देखिए इधर से रवि के साइड से चले तो 4th नंबर पर दीपक आपको मिल गए, अगर इधर से आए तो अमित के
पांचवें नंबर पे आपको कौन मिल गया, आपको दीपक भाई फिर से मिल गए। तो यहाँ पर हमको एक बार दीपक भाई को गणाना होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में पूछ रहा है कि अमित और रवि के बीच में आपका कौन कौन है, तो चार और पांच, ठीक है, चार और पांच, तो चार और पांच को किए और फिर माइनस वन कर दिए। तो माइनस वन जैसे ही हम लोग करेंगे तो चार पांच नौ होता है, माइनस वन करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आठ, ठीक है। तो पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि हमारा क्या हो जाएगा, आठ। कितना आसानी से निकाल लिए सभी बच्चे। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप बनाते चल रहे हैं तो बिल्कुल भी लेट नहीं लगेगा एग्जाम में। और एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होना चाहिए आपके पास क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है तो बहुत आसानी से आपको आंसर जो है मिल जाएगा। अब एक्यूरेसी कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, सही कॉन्सेप्ट से आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। अब यहाँ पर काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर निकालना है, क्योंकि सेम उसी तरीका से आप सभी को यहाँ पर बताएं हम, ठीक है। तो पूछ रहा है रवि और दीपक के बीच में अब कितना है, तो रवि यहाँ हमारा हमारा यहाँ पर हो गया, दीपक हमारा यहाँ पर हो गया, तो रवि और दीपक के बीच में कितना है, चार व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर, चार हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर पूछेगा कि सर यहाँ पर काहे नहीं माइनस वन किए, तो यहाँ पर माइनस वन इसलिए नहीं किए क्योंकि रवि अलग व्यक्ति है, दीपक अलग व्यक्ति है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि दोबारा रिपीट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा फोर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो आपको बताना है कि पूरे रो में कितना पर्सन वहाँ पर थे, टोटल आदमी वहाँ पर कितना थे, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर सब नंबर को जोड़ देना है, एक से घटा देना है। इस बार क्यों घटा देना है, क्योंकि यहाँ पर दीपक भाई जो है फिर से दोबारा आ गए, ठीक है। तो दीपक भाई दोबारा आ गए तो फिर से आपको एक घटाना होगा, तो घटा देगा अगर हम लोग तो 15 प्लस करेंगे 15, उसके बाद फिर 4, फिर 5, उसके बाद फिर यहाँ पर 16 है हमारा। अब माइनस वन कर देना आपको, ठीक है, माइनस वन कर देना। अब अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 20 और यहाँ पर 20 40 40 हो जाएगा, 40 माइनस वन करेंगे तो 39। टोटल आपका टोटल पर्सन कितना है आपका, 39 यहाँ पर टोटल पर्सन है, रवि, दीपक और अमित तीनों को मिला के और उनके बीच में। तो ये देखिए कितना आसान तरीका से आप सभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते चलिए। अब इसके बाद हम इसको आपको क्या करेंगे, इसके बाद हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि कैसे आपको इसका ट्रिक याद रखना है, ठीक है। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम का अगर आप सोचिएगा कि रैंकिंग कर ले तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लगभग ना के बराबर है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा, आप आगे पीछे करके वहाँ पर स्किप कर जाइएगा और गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगर आपसे पूछ रहा है रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग अगर आपसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है। रैंकिंग अगर किसी का पूछ रहा है तो उस नंबर का उसको आप वहां पर छुपा दीजिए। अगर राइट साइड से पूछ रहा है तो बाकी बचे हुए नंबर को आपको जोड़ देना है, बस इतना ही काम करना है। और अगर आपसे पूछ रहा है कि बिटवीन पर्सन बिटवीन अगर आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर माइनस कर देना। अगर वो पर्सन बीच में आ रहा है दोबारा, जैसे यहाँ पर हम लोग रवि और अंकित को मानते हैं कि रवि और अंकित के बीच में कितना पर्सन है, तो डी पर्सन है, मतलब दीपक एक पर्सन जो है दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो चार पांच और दोबारा आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ माइनस वन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग से पूछता है कि रवि और दीपक के बीच कितना आदमी है, तो चार आदमी है, बस माइनस वन यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी पर्सन बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम तब तक लिख लेते हैं, इसको आप तब तक पॉज करके देख लीजिए क्या है सारा चीज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेम उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपको एक पर ट्रिक देना चाह रहे हैं। देखिए अगर आपसे रैंक पूछेगा तो आपको डिस्टेंस वहाँ पर कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है हम आपको बताए हैं कि जिसका भी पूछता है आपको उसको आपको बस छुपा लेना है। राइट साइड पूछता है तो राइट साइड जितना भी रैंकिंग दिया हुआ है, अगर उसका नंबर दिया हुआ तो उसको आपको ऐड कर लेना है आपको। अगर लेफ्ट साइड पूछ रहा है तो लेफ्ट साइड में आपको ऐड कर लेना है। वहीं अगर पर्सन पूछता है तो डिस्टेंस जो आप निकाले हैं उसमें से माइनस वन आपको कर देना है, जो कि आपका बीच में एक्स्ट्रा आदमी जो एक ही आदमी दो बार काउंट हो जा रहा है उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर रो बोल रहा है आपको तो रो हम बताएं आपको ऐसे करके सीधा घींच लेना है। आपको यहाँ पर लेफ्ट लिख लेना है, यहाँ पर राइट लिख लेना, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि कमल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट। अगर हम लोग लेफ्ट की साइड से जाते हैं तो कमल यहाँ पर हमको कितने नंबर पे मिलेगा, तो उसका रैंकिंग क्या हो जाएगा। कमल अगर हम लोग जाते हैं लेफ्ट की साइड से तो कमल हमको यहाँ पर कितना रैंकिंग पे मिलेगा, 18वें नंबर पे मिलेगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। रोहन इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, दोनों ही लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो दोनों ही लेफ्ट साइड से, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग रोहन इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि रोहन तो यहाँ पर हमारा पहले आएगा भाई, क्योंकि पहले अगर हम लोग इधर से भी गिन के जा रहे हैं, एक दो तीन अगर इधर से बढ़ रहे हैं तो जैसे कि जैसे हम बता रहे हैं आपको एक दो तीन चार ऐसे करके यहाँ पर पहले 7 आएगा, फिर यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो 7 और 18 आएगा हमारा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा 7th हो जाएगा कौन, रोहन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर 18 नंबर पर कौन आ जाएगा, हमारा कमल आ जाएगा,
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से लिख के चलना, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही क्या बोला इन्होंने, दोनों में ही इसने कहा है कि लेफ्ट साइड से हमारा दोनों आ रहा है, दोनों हमारा किधर से आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। पहला हमारा जो छोटा नंबर है वो आएगा, उसके बाद आपका बड़ा नंबर आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, तो टोटल नंबर पर्सन हमको बताए थे कि डिस्टेंस माइनस वन कर देना आपको, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें पूछ रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पर्सन बिटवीन देम, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया, क्योंकि वहां पर वो नहीं टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं पूछ रहा था, यहाँ पर पूछ रहा था कि टोटल पर्सन उनके बीच में कितना है। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताया, पर्सन उनके बीच में अगर निकालना रहता है आपको, तो डिस्टेंस माइनस वन कर देना, ठीक है, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये ट्रिक बोल सकते हैं आपको, तुरंत आप इसे निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच अगर हम लोग देखेंगे जनरली, तो कोई आदमी है नहीं, मतलब इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जो एक्चुअल रैंकिंग है, उसको निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को माइनस कीजिएगा, तो इन दोनों के बीच अगर हम लोग गैप देखेंगे, तो टोटल 11 का गैप है, ठीक है, कितना का गैप है भाई, 11 का गैप है। तो 11 का गैप हमारा क्या गया, ये हमारा गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब हमको पर्सन निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पर्सन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनके बीच में कितना है। तो 11 हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, माइनस वन कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। तो यही 10 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखते चलना है, अगर यहीं पर मान लीजिए कोई बीच में एक लड़का रहता है, ठीक है, यहीं पर मान लीजिए आप, यहाँ पर एक लड़का रहता है, जो मान लीजिए दीपक वापस से ले लें हम, यहाँ पर चौथे रैंकिंग पर अगर आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछता कि अगर हम लोग यहाँ पर रोहन का पूछे, तो रोहन अगर राइट साइड से आता है, राइट साइड से, ये लेफ्ट और ये राइट है, ठीक है, यहाँ पर कमल का रैंकिंग हम 18 कर दिए, यहाँ पर पूछ रहा है अगर कि रवि अगर राइट साइड से आएगा तो उसका रैंकिंग क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, हम क्या बोलते थे, रैंक मतलब डिस्टेंस, इन दोनों को क्या करना है आपको, ऐड कर देना है। तो 18 में जैसे ही प्लस 4 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 22 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब अगर हम लोग राइट साइड से आते हैं तो रोहन का रैंकिंग 7 नहीं रह जाएगा, 7 लेफ्ट से, राइट का रैंकिंग उसका हो जाएगा 22, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग टाइप से, ठीक है, इसमें हल्का सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे, सेम उसी प्रकार से आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहे हैं एक रो में, ठीक है, रो आपको बोल रहा है, यहाँ पर आप लेफ्ट लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए राइट, बोल रहा है कि मोहित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि अगर हम लेफ्ट की ओर से चलते हैं तो हमको मोहित कितना नंबर पे मिलेगा, मोहित हमको मिलेगा कितना नंबर पे, 12th नंबर पे हमको कौन मिलेगा भाई, तो मोहित मिल जाएगा हमको 12th नंबर पे। अगर हम लोग राइट से चलते हैं तो राइट से हम लोग को कितना पर मिलेगा, राइट से हम लोग को 15th पर मिलेगा, कौन मिलेगा, सुमित, ठीक है, सुमित हम लोग कितना नंबर पे मिलेगा, राइट से 15 पे मिलेगा, लेफ्ट में हम लोग को मोहित मिलेगा 12वें नंबर से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर सुमित जो है वो राइट साइड है, तो सुमित जो है मोहित के राइट साइड है, ठीक है, इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम। अब यहाँ पर ये चीज आप सभी को ध्यान देना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पर्सन इनके बीच में, मोहित और सुमित के बीच में टोटल कितना पर्सन है, 6% है, ठीक है। आपको याद होगा एक फॉर्मूला बताया था कि पर्सन निकालने का जो फॉर्मूला है, पर्सन बराबर डिस्टेंस माइनस वन होता है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले से अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो 6% यहाँ पर दिया, मतलब पर्सन के नीचे अगर हम लोग 6 लिख देते हैं और डिस्टेंस में डी लिख देते हैं, क्योंकि डी हमको पता नहीं होता है, डी जनरली क्या होता है, वो इनके बीच में होने वाला पर्सन होता है, ठीक है। तो डी माइनस वन करेंगे अगर हम, तो वापस डी को इधर, प्लस को इधर ले जाएंगे हम लोग, मतलब माइनस वन जो है उसको इधर साइड लेंगे, तो हमारा डी कितना मिल जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में टोटल पर्सन कितना यहाँ पर हमारा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही चीज आप सभी को समझ में नहीं आता है, यही चीज आपको समझ के करना है कि जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हो रहेगा कि 6% अगर दिया हुआ रहेगा आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस पर्सन को आपको ये फॉर्मूला में बैठा देना है, वहां से आपको डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस निकालने के बाद जो आपका आएगा उसको आपको यहाँ पर डायग्राम में बैठा देना है, ठीक है। तो अब इसका काम हो गया खत्म, इसका काम जैसे ही खत्म होता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको में सब कुछ मिल गया है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो, अब पूछ रहा है कि टोटल पर्सन जो है आपके रो में कितना है, ठीक है। यहां पर भी आपको सेम चीज, कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से अगर आप लोग फिर दिमाग लगाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, वापस से क्या पूछ रहा है, पर्सन पूछ रहा है डी माइनस वन, ठीक है। लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि पूरे रो में कितना पर्सन है, तो पर्सन आपको यहां पर पूछ रहा है, डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के ही डिस्टेंस निकालते हैं, तो 12 + 7 + 15 हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, 12 + 7 + 15, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया माइनस वन। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे अगर, तो अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 27 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 34, ठीक है। 34 - 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 33 हो जाएगा। तो 33 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर अगर आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो, तो आपको सबसे पहले सबको जोड़ लेना और एक एक से माइनस वन कर देना, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है कि पर्सन बराबर डिस्टेंस माइनस वन होता है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर कितना आसानी से आपका सभी का आंसर आ गया, 12 + 7 + 15 बराबर 34 होता है, 34 में से एक घटाएं क्योंकि यहाँ पर ट्रिक में दिया हुआ था, तो उसके बाद हमारा कितना आंसर आ गया, 33 आंसर आ गया, ठीक है, 33। उसके बाद पूछेगा आपसे कि रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम राइट, मतलब कि अगर हम लोग राइट साइड की ओर से आते हैं, मतलब राइट साइड से आते हैं,
तो मोहित का क्या रैंक होगा। अब रैंक निकालने के लिए हम आपको बताए थे क्या फॉर्मूला है भाई, तो रैंक निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला कि ऐड कर दो, कुछ नहीं करो, क्या ऐड कर दो, बस यही आपको मान के चलना, ऐड कर दो, इसको छुपा दो, राइट से पूछ रहा है तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही मोहित का अगर हमको निकालना है राइट साइड से, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 15 + 7 कर देंगे, 15 + 7 जैसे ही करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, 22। तो यही 22 हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये दो चीज जो है, दो आपको जो दो फॉर्मूला आप सभी को बताइए, आपको बहुत आसानी से आंसर निकालने में मदद करेगा। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है, रैंक। रैंक जब भी निकालना है तो आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जोड़ दीजिए, ऐड जोड़ दीजिए सभी को, उसके बाद मतलब उस वाले नंबर को जरूर छोड़ दीजिएगा जिस नंबर को पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है कि अगर पूछेगा कि टोटल पर्सन आपका रो में कितना है, इनके बिटवीन पर्सन कितना है, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, यही जो डिस्टेंस है उसमें से एक आपको घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग समझ गए। अब लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख ले रहे हैं, लगभग आपका सारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जब भी आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपका तुरंत वीडियो आने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है 50% उसको कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद आपका रैंकिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको, मतलब कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम चैप्टर स्टार्ट करवा देंगे आपका। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में जो भी रिगार्डिंग कमेंट है उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उसको जवाब देने का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।